बदलाव के लिए एक कदम। दोस्तों, ये वीडियो है तंजानिया के स्वाही भाषा बोलने वाले लोग जिन्होंने पानी और पर्यावरण को बचाने का खास तरीका ढूंढा। दरअसल दोस्तों, तंजानिया में पानी की समस्या बहुत अधिक है, जहाँ 4 मिलियन यानी 40 लाख से अधिक लोगों तक पानी पहुँचने का कोई स्रोत ही नहीं है। ना कोई नदी, ना ही झील, ना ही कुआ, ना ही कोई सरकारी नल, जिस वजह से पानी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बनकर हर समय खड़ी रहती है। जब भी तंजानिया के विकास की बात आती है तो हमेशा पहले पानी पर चर्चा होती है, पर इस बार भी हमेशा की तरह निराश नहीं हुए। दरअसल तंजानिया के सामाजिक कार्यकर्ता समूह लीड फाउंडेशन सहायता की बड़ी मिसाल बनकर सामने आए, क्योंकि तंजानिया में जिस जगह पानी की समस्या है वह जगह ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ साक्षरता की भी कमी है, ना ही सोशल मीडिया और ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोगों को लीड करा जा सके या समझाया जा सके। तब लीड फाउंडेशन की कार्यकर्ता लिंडा मिनिम्बो ने तरकीब अपनाई, क्यों ना टीवी दिखाकर लोगों को समझाया जाए कि पानी कैसे बचाया जाता है व नेचर कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल लीड फाउंडेशन इस तरह के वीडियो क्लिप्स का यूज़ करती है, जिसमें वे दिखाती है और सिखाती है कि कैसे पानी बचाने पर काम किया। लास्ट वीडियो में उन्होंने दिखाया कि खेतों में गड्ढे खोदे जाएँ और उनमें घास के बीज डाले जाएँ तो बरसात में गड्ढे भरेंगे, बीजों से घास उगेगी और रेतीली पड़ रही जमीन में उपजाऊपन दोबारा बनने लगेगा। घास पशुओं को खिलाने के काम आएगी, पानी भी उपयोग करने लायक होगा व ज़्यादा समय तक बचाया जा सकेगा। इस वजह से लोगों ने कई गड्ढे खोद दिए। अब उन्होंने एक और नई तकनीक लगाई ताकि पर्यावरण को भी बचाया जा सके, जिसे लॉन्च किया जा चुका है, यानी लोगों को चलते फिरते थिएटर में दिखाया जा चुका है। इस वीडियो में फेमस कॉमेडियन जय मोंडी के साथ मिलकर क्लिप बनाई, जिसमें वे दिखाते हैं कि वे खेतों में साइकिल से जा रहे हैं, जहां अचानक उन्हें कुछ आवाज़ आती है। यहां वे देखते हैं कि एक व्यक्ति पेड़ को काट रहा है। वे अपने पीछे से तवा निकालते हैं, जो कि उनका एक अलग ही अंदाज होता है, और उसके सर पर मारते हैं जो पेड़ काट रहा होता है, और समझाते हैं कि क्या आप बारिश नहीं चाहते हैं? अगर बारिश चाहिए तो हर पेड़ बचाना पड़ेगा, वरना अंजाम आप देख ही रहे हैं। आगे फिल्म में दिखाया जाता है, अगर छोटे पौधे कटे पेड़ों के टूटों को अगर मौका मिले तो वे बड़े पेड़ बन सकते हैं। सबसे पहले बढ़ता हुआ पौधा ढूंढो और मजबूत टहनी के अलावा कुछ पतली टहनियों को छांट दो, पेड़ों पर निशान लगाओ ताकि सभी देख पाएं और पशुओं को खाने से रोका जा सके। सबसे बड़ा कारण जिससे कि पेड़ पौधे नष्ट होते हैं, भूखे मवेशियों से उन्हें ना बचाया जा सकना होता है। और इस तरीके से तंजानिया में 90 लाख से ज़्यादा पेड़ बचाए जा चुके हैं, और इस वजह से मौसम पर भी असर पड़ा है। चांसेस हैं कि पानी आएगा, फसल में सुधार आ सकती है, कम से कम सैद्धांतिक तौर पर। तो सिर्फ लीड फाउंडेशन ही नहीं, तंजानिया की सरकार ने भी यहाँ पर बड़ा सहयोग दिया है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि सिर्फ फिल्म दिखाने से लोग नहीं करेंगे। तो तंजानिया गवर्नमेंट ने फैसला किया कि एक गड्ढा खोदने पर 1.50 यूरो दिया जाएगा, और क्योंकि लोग जानते हैं यह उनके और उनके जानवरों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है, तो वे अपने दिल से ये काम कर रहे हैं। अभी तक 40 लाख से ज़्यादा गड्ढे खोदे जा चुके हैं। दल जब सूखी पड़ी जमीन पर पानी गिरता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है अधिक, और जब गड्ढे पर पानी जमा होगा तो पानी को जमीन में पहुँचने का समय मिलेगा और आसपास के पेड़ पौधों को भी फायदा पहुँचेगा। दोबारा हरियाली लाने का ये कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है और काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी तंजानिया की सरकार और लीड फाउंडेशन की मदद से लोगों में नेचर के प्रति नज़रिया बदला, और अब लोग वापस से सब हरा भरा देखना चाहते हैं, जिसके लिए वे जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपके पास भी नेचर को और पानी को बचाने का कोई स्पेशल सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके रख लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।